आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पद खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। चुनाव से देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी देने का काम किया है और लालू प्रसाद जी को जाके पूछना चाहिए तेजस्वी यादव जी को कि पहली बार हरदी लगाने का काम किस पार्टी ने किया था। यही भाजपा थी जिसने लालू प्रसाद जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू है, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन भी बिहार विधान परिषद में सरकार और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिला। नोकझोंक इतना ही नहीं, अब ये आगे इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद सामने आकर इन सब मसलों को सुलझाने में असक्षम साबित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा शिक्षक का मुद्दा हो या फिर तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग हो, इन सब सवालों का जवाब मुख्यमंत्री को खुद देना चाहिए था, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं दरकिनार इन सब सवालों से चल रहे हैं। यही कारण है कि सदन के अंदर हो या फिर बाहर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि सम्राट चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद के, उनसे जब माथे पर जो उन्होंने जो पगड़ी बांध रखी है उन चीज़ों को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने पूछा। उन्होंने कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको मुख्यमंत्री पद से जब तक के नहीं हटाऊंगा तब तक यह जो माथे का जो पगड़ी है वह नहीं हटाऊंगा। पहले हम आपको उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पद खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। दोनों ने क्या जवाब दिया? और आज देखिए जिस तरह विपक्षी लोगों को, विपक्ष के पूरे सदस्यों को डराने और धमकाने का काम बिहार की सरकार कर रही है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। कोई डरने वाला नहीं है, एकदम कंफर्म रही है। नीतीश बाबू जब तक आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी अस्थिर नहीं होने वाली। दोनों सदन लगातार बाधित हो रहा है जनता के मुद्दों, ये पूरी तरह जनता के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों के लिए नहीं है, जनता के मुद्दे हैं। कल हजारों शिक्षकों पर लाठियां चली पूरे बिहार में, यही तो मुद्दा था। और इसी मुद्दे पर हम लोगों ने कहा कि आप जो है सरकारी तौर पर गुंडागर्दी करवा रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जब हिटलर शाही नहीं चला तो नीतीश शाही भी नहीं चलेगा, यही तो हम लोग कह रहे हैं और ये कहते रहेंगे स्पष्ट तौर पर। गुंडागर्दी शब्द को लेकर देखिए एकदम साफ तौर पर मेरा मानना है कि कोई बात यदि असंसदीय होता है तो तुरंत एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य डरने वाला नहीं है। नीतीश बाबू आप जैसे तानाशाह मुक्ति दिलाना ही भाजपा का एजेंडा है। राजद के पास भ्रष्टाचार है, इसे कहीं दिक्कत नहीं। राजद और बीजेपी और एनडीए में क्या फर्क है आप देखिए। एनडीए का स्वरूप जब तक था बिहार की सरकार में कोई चार सीटेड आदमी भी मंत्री नहीं होता, और आज क्या है पूरा लिस्ट देखिएगा, गुंडों की सरकार है और अब तो चार सीटेड उप मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार को हिम्मत है बोल पाएंगे? हिम्मत है? हिम्मत ही नहीं है नीतीश कुमार जी को एक बार भी राजद को बोल सके। राजद वाला दो मिनट में उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दे। तेजस्वी यादव ने कहा कि झूठ की फैक्ट्री है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पार्टी है। पिछले दो चुनाव से देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी देने का काम किया है और लालू प्रसाद जी को जाके पूछना चाहिए तेजस्वी यादव जी को कि पहली बार हरदी लगाने का काम किस पार्टी ने किया था। यही भाजपा थी
जिसने लालू प्रसाद जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का काम। आप पर निंदा प्रस्ताव लगातार लाने के लिए लाने दीजिए, धन्यवाद।